दोस्तों नमस्कार। तो आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2020 के टॉपर और आप यूपीएससी टॉप कैसे करें। दोस्तों सफलता का सारा दारोमदार इसी पर टिका हुआ है कि आपकी तैयारी कैसी है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहिए या सबसे बड़ा रोना कहिए इसी बात की है कि प्रतियोगी ठीक ढंग से तैयारी ही नहीं कर पाते। सबसे बड़ी वाहवाही रण में कूदना नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी वाहवाही है रण में विजय हासिल करने के लिए समुचित तैयारी करने में। इसी प्रकार यदि मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छी है तो आपको सफलता मिल ही जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। दोस्तों हम बार बार अपने गाइडेंस में कहा करते हैं कि यदि मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक मिल जाते हैं तो साक्षात्कार में कम अंक भी मिलें तो भी आपका चयन अच्छे रैंक के साथ हो सकता है। ठीक है, यह हम सबूत के साथ सिद्ध कर रहे हैं। दोस्तों 2020 के टॉपर व वन रैंक रहे सम्मानीय श्री प्रदीप सिंह जी के प्राप्तांक इस प्रकार हैं। मेंस में 914 अंक एवं इंटरव्यू में 275 अंक में से केवल 158 अंक। इस प्रकार से इनके कुल अंक बने 1072, 1072, जो यूपीएससी 2020 की परीक्षा देने वाले संपूर्ण प्रतियोगियों में सर्वोच्च रहा। ऐसा क्यों रहा वह हमसे मत कहलवाइए, आप अपने आप से पूछकर इस प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। दोस्तों सम्मानीय श्री प्रदीप सिंह जी के अंकों का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि मेंस परीक्षा रिटर्न में इनके अंक सभी प्रतियोगियों से अधिक रहे। दूसरी ओर इंटरव्यू देने वाले चयनित प्रतियोगियों में से इनके अंक सबसे कम रहे। फिर भी सम्मानीय श्री प्रदीप सिंह जी का चयन नंबर वन रैंक व टॉपर पर हुआ। भला हमारी बातों को सही साबित करने के लिए इससे बढ़कर प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या हो सकता है। तो आप मानकर चलिए कि मेंस के अंक ही आपको चयनित करवाने में अपनी बड़ी ही अहम भूमिका निभाते हैं। आप मेंस पर बहुत अच्छा ध्यान फोकस करके तैयारी कीजिएगा, परंतु अच्छे अंक अच्छी तैयारी पर निर्भर हैं। मुख्य परीक्षा की तैयारी से संबंधित बहुत सारी बातें हम पूर्व के वीडियोज में बता चुके हैं, जैसे कौन सी अध्ययन सामग्री पढ़ें, नोट्स लिखने के तरीके एवं लाभ आदि आदि। कृपया इन बिंदुओं के लिए हमारे पिछले वीडियो अवश्य देख लें। यहाँ पर हम बताना यह चाहते हैं कि मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी को किन किन बातों की अच्छी तैयारी करनी चाहिए, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला, मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए प्रतियोगी के दिमाग में पाठ्यक्रम संबंधी अच्छी व पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, और यही सबसे अहम चीज है। यदि प्रतियोगी के मन में पाठ सामग्री पर आधारित सारी जानकारियां होंगी तभी तो वह अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो पाएगा। दोस्तों यह प्रतियोगियों की इतनी अहम समस्या है कि हम कुछ कह ही नहीं सकते। 99% प्रतियोगियों की यही शिकायत रहती है कि उनसे परीक्षा में अमुक अमुक प्रश्न के उत्तर नहीं बन पाए। दूसरा, या अमुक अमुक प्रश्न ऐसे घुमा कर पूछे गए थे कि वे समझ में ही नहीं आए, और मैं उनका उत्तर जानते हुए भी ठीक से नहीं दे पाया। तीसरा, मैं सारे प्रश्न के उत्तर लिख ही नहीं पाया, समय की कमी के कारण मेरे 2 प्रश्न या 3 प्रश्न छूट गए। अगली समस्या होती है, मैं प्रश्नों के सारगर्भित व संतुलित उत्तर नहीं दे पाया, मैंने कुछ का कुछ उत्तर लिख दिया और आ गया। अगली समस्या होती है, जल्दी के कारण मेरे राइटिंग बहुत खराब हो गए। मेरे हिसाब से मुख्य परीक्षा में
प्रतियोगी के पास इतनी ही समस्याएं आती हैं, और भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इस पर आप भी गौर कीजिएगा। अब हम समस्याओं को साथ लेकर मुख्य परीक्षा की तैयारी की रणनीतियों पर विचार करते हैं। पहली समस्या जो प्रतियोगी के दिमाग में प्रश्नों के उत्तर ना सूझने से संबंधित हैं, उसका क्या उपचार हो सकता है? यही न कि प्रतियोगी पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन सामग्री जुटाए और योजना अनुसार तैयारी करे। दोस्तों, किसी भी कार्य को यदि हम योजना के साथ करते हैं तो हम उसे आसानी से कर पाते हैं और साथ ही उसमें सफल भी होते हैं। अध्ययन सामग्री अच्छी होनी चाहिए, यह क्या होनी चाहिए यह हम अपने पिछले वीडियो कौन सी किताबें पढ़ें में बता चुके हैं, कृपया उसे अवश्य देख लें और मार्गदर्शन के अनुसार अच्छी अध्ययन सामग्री जुटा लें। मुख्य परीक्षा में अच्छी सफलता के लिए अपने स्वयं के नोट्स बनाने बहुत ही आवश्यक हैं। नोट्स कैसे बनाएं व उनसे क्या लाभ हैं, यह हम इसी शीर्षक के अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ हम शॉर्ट में बताना चाहते हैं कि आप जिस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्नों के बढ़िया संतुलित व सारगर्भित समग्रतापूर्ण नोट्स तैयार कर लें। इससे आपको सही प्रारूप में उत्तर लिखने का अभ्यास होगा, पाठ सामग्री आपके जहन में चढ़ेगी, आपकी लिखावट में सुधार होगा, आपको यह भी पता चलेगा कि प्रश्न के लिए दिए गए समय सीमा में आप कितने शब्दों में अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। आप वैसे ही नोट्स बनाएं जितना आप कर सकते हैं। नोट्स बन जाने पर केवल नोट्सों को ही बार बार पढ़ें व तैयारी करें। नोट्स बन जाने के बाद नोट्सों की पढ़ाई में आपको बहुत कम समय लगा करेगा और आप कम से कम समय में कई कई बार रिवीजन करके अच्छी तैयारी कर लेंगे। जब आप परीक्षा देने जाएं तो यदि आपके द्वारा बनाए गए नोट्स के प्रश्नों के समान ही कोई प्रश्न पूछ दिया गया है तो आप बिना कुछ सोचे विचारे अपने नोट्स की सामग्री को सेम टू सेम उत्तर पुस्तिका में बड़ी कुशलता के साथ उतार दें। इससे आप समय सीमा में सटीक उत्तर लिखने में सक्षम हो पाएंगे। यदि संयोग बस कोई ऐसा प्रश्न पूछा गया है जो आपके नोट्सों में सेम टू सेम नहीं है, परंतु उस प्रश्न के उत्तर देने के लिए कच्ची सामग्री आपके नोट्सों में विद्यमान है, उन्हें आपने पढ़ा है, तब ऐसी स्थिति में आपको प्रश्नों के स्वरूप के अनुसार कच्ची सामग्री को कन्वर्ट करके उत्तर लिखने की कला आनी चाहिए। यानी कच्चे ईंटों के ढेर से सीमेंट गारे की मदद लेकर आपको मनचाही डिजाइन का मकान बनाने की कला आनी चाहिए। यदि ऐसा करने के लिए आपने पिछली तैयारी के दौरान अच्छा पूर्वाभ्यास किया है तो आप ऐसा बखूबी कर पाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, ओके। प्रतियोगी से बहुत से सारे प्रश्न के उत्तर नहीं बन पाए, इसका समाधान आपको मिल गया होगा। अब दूसरी समस्या यह होती है कि अमुक अमुक प्रश्न ऐसे घुमाकर पूछे गए थे कि वे समझ में ही नहीं आए और मैं उनका उत्तर जानते हुए भी ठीक से नहीं दे पाया। दोस्तों, कच्ची सामग्री को प्रश्न के स्वरूप के अनुसार कन्वर्ट करने की कला आपको आनी चाहिए, यह हम अभी अभी बता चुके हैं, परंतु इस समस्या का समाधान इस बात में हो पाएगा कि आप मेंस के पिछले कई वर्ष के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करें, उनके स्वरूप को अच्छी तरह से समझें और स्वरूप के अनुसार संतुलित व सारगर्भित उत्तर लिखें और एक्सपर्ट से चेक करवाएं। एक्सपर्ट क्या करते हैं? चूंकि वे प्रश्न के स्वरूप को समझने की अच्छी क्षमता रखते हैं, इसलिए वे आपके उत्तर को देखेंगे कि वह प्रश्न की मांग के अनुसार लिखा गया है या नहीं। यदि लिखा गया है तो ठीक ही है, अन्यथा वे आपके उत्तरों में मार्क करेंगे, नोट लिखेंगे कि प्रश्न में अमुक बातें पूछी गई हैं, आपको इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखना चाहिए, आपके उत्तर में किन बातों को शामिल नहीं किया गया है,
कौन सी बातें आधी अधूरी या आंशिक रूप में कही गई हैं या किन बातों को अनावश्यक रूप से बेतरतीबी ढंग से विस्तार दे दिया गया है। आपके उत्तर के किन बातों से उत्तर का संतुलन बिगड़ रहा है, किन बातों को कितने वाक्यों या शब्दों में ही बताना ठीक होगा, आपको उत्तर का प्रारंभ किन बातों के साथ करनी चाहिए, मध्य भाग में किन बातों को विस्तार देना चाहिए और कितना देना चाहिए, प्रश्न का अंत किस प्रकार से करना चाहिए, एक्सपर्ट यह सब कुछ आपको बताते हैं। उनके सुझाए गए संकेतों से आप अपनी कमियों को नोट करें, वह तन मन से उनको सुधारने का प्रयास करें, उत्तर को दोबारा से लिखें। जब वे कह दें कि हाँ अब उत्तर ठीक है, तब आप उस उत्तर को ठीक मानकर अपनी फेयर नोटबुक में लिख लें। एक्सपर्ट ऐसे स्वयं के प्रश्न भी बनाकर आपको दे सकते हैं जिनमें मुख्य बातों को घुमाव फिराव के साथ या चकमा देकर पूछा जाता है। आप उनसे प्रश्न प्राप्त करके उनके उत्तर भी लिखा करें व उनसे चेक करवाएं, आवश्यकता अनुसार सुधार करें। इस तरह से आपका अभ्यास बढ़ जाएगा और प्रश्नों के स्वरूप को समझ पाने में आप सक्षम हो जाएंगे और अच्छा उत्तर लिखने में भी सक्षम हो जाएंगे। ठीक है ना? अगली समस्या होती है कि मैं सारे प्रश्न के उत्तर लिख ही नहीं पाया, समय की कमी के कारण मेरे 2 प्रश्न या 3 प्रश्न छूट गए। यह नोट्सों के द्वारा तैयारी करने व नोट्सों का अनुकरण करते हुए उत्तर लिखने का अभ्यास करने से हल हो जाएगा। साथ ही बहुत सारे पूर्वाभ्यास परीक्षाएं देने व निरंतर अपने उत्तर एक्सपर्ट से चेक कराने व सुधार करने से हल हो जाएगा। ठीक है, अगली समस्या है, मैं प्रश्नों के सारगर्भित व संतुलित उत्तर नहीं दे पाया। यह भी अभी बताए गए टेक्निक के द्वारा हल हो जाएगा। ठीक, अगली समस्या है कि जल्दी के कारण मेरे राइटिंग बहुत रद्दी हो गई। इसका समाधान निरंतर अपने सारे कोर्स के नोट्स तैयार करने व राइटिंग सुधार करते रहने से हल हो जाएगा। इस तरह से आप मेंस की अच्छी तैयारी करने में सक्षम हो जाएंगे और अच्छी परीक्षा देकर अच्छे अंक अर्जित करके अपने चयन को सुरक्षित कर पाएंगे। दोस्तों, एक बात और भी ध्यान में रखिएगा कि मेंस आपके लिए सचमुच में बहुत बड़ी कुंजी है, ये हम अभी बता चुके हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि मेंस एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। उत्तर पुस्तिका चेक करने के लिए बहुत ही गोपनीयता बरती जाती है। अतः यदि आप मेंस की अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे ही, इसमें दो राय नहीं है। आप यह डर मन से निकाल दें कि उत्तर पुस्तिका में अच्छे उत्तर लिखने के बावजूद भी भ्रष्टाचार के कारण आपको अच्छे अंक नहीं मिल पाएंगे। यह भ्रम आप अपने मन से निकाल दें और जब मेंस में आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे तब इंटरव्यू में कम अंक मिलने के बाद भी आपका चयन हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सम्मानीय श्री प्रदीप सिंह जी की तरह से टॉप और 1 रैंक प्राप्त कर पाए। धन्यवाद, अब इतना ही, मिलेंगे अगले एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपके दोस्त राही का नमस्कार, जय हिंद।